एक संघ एक लोग भी अलग अलग संगठन चलाते हैं, जिसके चलते भी हम लोगों को काफी कठिनाई होता है। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सभी लोग, क्योंकि आने वाला समय हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका आने जा रहा है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, इसलिए सभी लोग बैठकर एक निर्णय लें, क्योंकि अभी इतिहास के बारे में कहा कैसे कैसे हमारे समाज को धोखा मिला सरकार के द्वारा, और उस समय जितने लोग थे हमारे समाज को कैसे दरकिनार किया गया, ये सारे इतिहास के बारे में अभी बता ही रहे थे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग संगठित होए, जागरूक हैं, अपने इतिहास के बारे में जरूर जानें। जब तक हम अपनी पहचान को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी अभी देखिए अपनी पीढ़ी, दो तीन पीढ़ी को हम लोग मात्र जानते हैं, और उससे पहले यदि पूछेंगे कोई है तो कोई नहीं बता पाएगा। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं 1700 से और उससे पहले से पढ़ते हैं, लेकिन अपना इतिहास के बारे में लोग पूछेंगे कि भाई बाप दादा तक का तो नाम जानेंगे, उससे ऊपर पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। तो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जो है सबसे पहले वह पहचान होना चाहिए। आज दूसरे जगह के लोग, आज देखिए बंगाल के लोग, दुनिया का कोई भी कोना में रहेंगे यदि चार गो परिवार है तो वो अपनी भाषा को बोलता है, बंगाली बोलता है। उड़ीसा के लोग जहां भी जाते हैं तो अपनी भाषा को बोलते हैं, लेकिन हम लोग हैं तो तुरंत घर में तो बतियाते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं दूसरा कोई मिलता है तो तुरंत हिंदी बोलने लगते हैं। बोलिए, बोलना है तो बोलिए, लेकिन जहां अपने लोग रहते हैं, जहां अपना परिवार के लोग रहते हैं, अपने समाज के लोग रहते हैं, अपने जाति के लोग रहते हैं, वहां अपनी भाषा को बोलना चाहिए, तभी हमारा पहचान बनेगा। आज हमारा पहचान मिलता हुआ दिख रहा। फिर मैं धन्यवाद देता हूं आदिवासी कुर्मी समाज के सभी लोगों को कि आप लोग रात दिन मेहनत करके ये अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को बनाने के लिए आप लोग हर जगह मेहनत कर रहे हैं। यदि आज केंद्रीय कार्यालय यहाँ खुला तो निश्चित तौर पर इसका फायदा हमारे समाज को मिलेगा और यहाँ के लोगों को जागरूकता मिलेगा कि भाई हमारे समाज में जो कमियाँ हैं, खामियाँ, उसको हम लोग कैसे समझ। पर्व त्यौहार के बारे में भी, क्योंकि पर्व त्यौहार जो हमारा संस्कृति है सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हम लोग वही मेरे जीने का साधन है, लेकिन आज धीरे धीरे हम लोग पहचान को, आज भी मेरा साधन है लेकिन उस पहचान को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है अभी हम लोगों के बीच में जनगणना आने वाला, तो अभी बीच में हम लोग इस पर गए, कई लोग समाज के लोग भी हम लोग गए वहां पे, वहां बात किए तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए जब भी जनगणना होने वाला है, जनगणना के समय अपनी पहचान को सबसे बड़ा चीज है उस पर अंकित करने का समय अभी आया। अभी बोल रहे थे कि हमारी भाषा का कहीं जगह नहीं, जबकि मैंने वहां बात किया तो कहा कि भाई कोई भी भाषा यदि 10,000 से एक बेसी बोलने वाले लोग हैं उस भाषा को वो लोग रजिस्टर करते हैं, उस भाषा को मान्यता देते हैं। हम लोग यहाँ लाखों आदमी बोलते हैं उस भाषा को, लाखों आदमी बोलते हैं लेकिन हमारी भाषा का पहचान नहीं। कभी तो जनगणना के समय आएगा तो वह जो कॉलम अभी बना है, एक नया कॉलम बनाया, भी उसकी स्वीकृति नहीं मिली है लेकिन उन्होंने दिखाया भी, तो वह कॉलम में आप जरूर लिखिएगा कि हम किस भाषा को बोलते हैं, ऑटोमेटिक है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपके चीज को लिखने के लिए नहीं आते, लिखने के लिए तो आप हमारा ही मास्टर आता है ना, स्कूल का मास्टर जाता है और भी कर्मचारी रहता है, तो गांव के ही लोग जाते हैं कि भाई आप लिखिए फॉर्म में कॉलम बना हुआ, तो अपनी भाषा को जरूर लिखिए। हम कुर्माली बोलते हैं, कुर्मी बोलते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा। साथ साथ एक कॉलम भी और भी जोड़ा गया है जिसमें जाति का कॉलम लिखा गया, आप किस जाति से आते हैं। अभी अखबार में आप लोग देखते होंगे जाति जनगणना की मांग हो रही है, सभी दल के लोग मांग रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी ताकत को तो समझे कि भाई हमारी संख्या कितनी है, हम लोग कितने लोग। ऐसे हम लोग अंदाज लगा के बोलते हैं कि हम लोग रामगढ़ जिला में 2,00,000 के लोग, लेकिन संख्या के आधार पर हम लोग
नहीं भाग पाते कि हमारी संख्या कितनी। जिस दिन हमारी संख्या की गिनती हो जाएगी, ऑफिशियल गिनती हो जाएगी, जो हमारा ताकत होगा आने वाला समय में, सारा चीज हमारे समाज के हाथ में होगा, राजनीति से लेकर हर चीज में हमारा पहचान होगा। लेकिन हमारा संख्या अभी पता नहीं चल पा, इसलिए जातिगत जो होगा उसमें भी आप लिखिए कि भाई हम लोग किस समाज से आते हैं, कुलमी समाज से आते हैं, तो उसको लिखिए। उसमें भी हम लोग यही कहेंगे कि कई विवाद, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसको कुर्मी बोलता है, कोई कुर्मी, कोई माटो, इस तरह से जो आता है ना, ओब्लिक ओब्लिक आता है, तो इसमें भी संदेहास्पद होता है। इसलिए सभी लोग बैठ के एक निर्णय लीजिए भाई क्या लेना, और बहुत जल्द होने वाला। आप यही समझिए ना कि भाई हम लोगों के यहाँ घर में सरकार के तरफ से आता है गाय, गाय कै गो है, गरु कै गो है, बकरी कै गो है, मुर्गी कै गो, इसका गणना होता है, लेकिन हम लोगों का अभी कोई नीति नहीं, आप ये समझ सकते हैं। इसलिए अपना पहचान को बनाने के लिए आप लोग मजबूती के साथ रहिए, हम यही कहेंगे। और पर्व त्योहार और भाषा के बारे में अभी पूर्व में भी चर्चा किए हुआ है कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए अपना निश्चित तौर पर जो सुझाव दिया जा रहा है उसको मानना चाहिए। समाज के इतिहास के बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए, हमारे पूर्वज अंग्रेज के समय से लड़े, शहीद रघुनाथ महतो लड़े, अपनी बलिदानी दी, लेकिन इतिहास में उनका कोई जगह, जिस प्रकार प्रचार होना चाहिए बिरसा मुंडा का, जिस प्रकार सब लोग बिरसा जयंती मनाते हैं, सब लोग ये उत्साह के साथ बिरसा जयंती के अवसर पर हमारा राज्य अलग हुआ, लेकिन रघुनाथ महतो जी का पहचान हम लोगों को सामाजिक रूप से भी उनको अपना पहचान बनाना होगा, इनके इतिहास के बारे में जाना। हम लोगों ने इस बार डिमांड भी किया कि भाई पिता के सामने जो स्टेशन है हम लोगों का, उसी जगह पर उनकी हत्या हुई अंग्रेजों के द्वारा, तो हमें रेलवे से भी मांग किया कि सबसे पहले पिता स्टेशन का नाम बदलकर शहीद रघुनाथ महतो स्टेशन रखा जाए। कभी ऐसे धीरे धीरे करके उनके नाम से कहीं चौक भी बनाए जाए, ताकि साल में हम लोग एक जगह हम लोग उनको माल्यार्पण करेंगे, याद करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो समाज में आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो वहाँ बच्चे जो लोग धीरे धीरे अभी आधुनिक युग में अपने समाज और संस्कृति को भूल रहे हैं, उनको भी हम लोग जोड़े रखेंगे, उनको भी हम लोग याद करेंगे, हमारे पूर्वज जो किए हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह से हम लोग जो गैप हो जाता है उसी समय यह खत्म हो जाता है, जानकारी के अभाव में अपनी संस्कृति को लोग भूलते हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चे को बीच में हमारे अभिभावक इस प्रकार हम लोगों को बताएं, हम लोग भी अपने बच्चे को बताएं, तभी हमारा संस्कृति और हमारा पहचान बचेगा। और चूंकि मैं और भी कई जगह कार्यक्रम है, आप लोगों के बीच में आने का मौका भी मिला बहुत कम समय में, क्योंकि कल ही परसों समय लिया गया और कार्यालय के बारे में कहा गया कि भाई कार्यालय नहीं रहने के चलते भी कई कठिनाई होती, क्योंकि आज छोटे से कार्यालय का उद्घाटन हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को हमेशा मैं सहयोग करूँगा, और अच्छा से बड़ा कार्यालय बनाइए, ताकि समाज के लोग आवे, बैठे और चर्चा करें, और गांव गांव तक अभी संगठन के बारे में भी मैंने चर्चा की है कि भाई जिस जिस जिला में हमारे समाज के लोग रहते हैं, सभी जगहों पर आप लोग संगठन बनाए, सभी गाँव तक, एक एक गाँव तक यह संदेश जाए, और समाज में जो बुराइयाँ, मैं हर मंच पर जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, मैं एक बार जरूर कहता हूँ कि समाज में जो हमारी बुराइयाँ हैं, जिसके चलते आज हमारा समाज काफी पीछे जा रहा है, उसको समाप्त करने का हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए। कई चीज है, नशाखोरी, दहेज प्रथा, जात, समाज, हर समाज के लिए कोर है। हमारे समाज में यह हम समझते हैं कि हम लोग इस समय शादी ब्याह के उस समय तक यह प्रथा बिल्कुल नहीं था, दहेज प्रथा, लेकिन अभी धीरे धीरे सुनते हैं कि लोग दहेज भी लेना प्रारंभ किए, जो सबसे बड़ा कोर है, सबसे पहले इसको रोकना पड़ेगा, तभी हमारा समाज और हमारा संस्कृति बच सकता है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं यही कहूँगा कि आगे आने वाले समय में जब भी हमारी आवश्यकता पड़े, मैं आदिवासी कुर्मी समाज के साथ हमेशा रहूँगा। और अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ समय लेने का बात कहा गया है, हमारे अध्यक्ष और
सचिव के द्वारा तो मैं इनको आश्वासन दिया हूँ, कभी समय के लिए मैंने वहाँ दिया, जैसे ही होगा हमको लगता है दो चार दिन में ही आपको समय का सूचना मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग पूरा आंकड़ा और पूरा इतिहास जो आपके पास है उसको हम लोग अच्छे ढंग से केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हम लोग अपनी बात को रखेंगे और अपने समाज के बारे में और जो हमारा अधिकार जो छीना गया उसको फिर से वापस लाने में जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम आपके साथ रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद के साथ सबको धन्यवाद, सबको जवाब, सबको प्रणाम।